अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी छलांग युवाओं के लिए असंख्य अवसर आ रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत की अंतरिक्ष यात्रा शानदार रही है, जिसने देश को संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य जैसे इस डोमेन में शीर्ष देशों की लीग मिला खड़ा किया है। भारत ने इस क्षेत्र में जो क्वांटम जंप लगाई है, उसने उन लोगों को भी हैरान कर दिया है जिन्होंने भारत के पथ पर चलने से कई दशक पहले शुरुआत की थी। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, इसने अंतरिक्ष क्षेत्र को विशेष बढ़ावा दिया है और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है, जिससे क्षेत्र के चेहरे पर क्रांति लाने वाले स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है। इन सभी प्रयासों ने युवाओं के लिए इस क्षेत्र में करियर बनाने के असंख्य अवसर खोले हैं। नासा ने इसरो से विशेषज्ञों की राय मांगी। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक निजी डिजिटल आउटलेट को दिए साक्षात्कार में कहा कि हालांकि भारतीय अंतरिक्ष यात्रा बहुत बाद में शुरू हुई, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि सबसे पुराने प्रमुख अंतरिक्ष संगठन जैसे अमेरिका का नासा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सहयोग कर रहा है और यहां तक कि हमसे विशेषज्ञ इनपुट भी मांग रहा है। इसरो 150 स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है। मंत्री ने कहा कि केंद्र में वर्तमान सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे खोले जाने के बाद आज इसरो लगभग 150 निजी स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है। भारत मानव को अंतरिक्ष में भेज रहा है। हाल के दिनों में इसरो ने 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-C37 पर रिकॉर्ड 104 उपग्रह लॉन्च किए, जिनमें 101 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के हैं। यह शानदार उपलब्धि वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की बढ़ती उपस्थिति का प्रतीक है। इसके अलावा स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान भारतीयों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए लगभग तैयार है। यदि भारत इस प्रयास में सफल हो जाता है तो वह अंतरिक्ष मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाले अन्य 3 देश अमेरिका, रूस और चीन है। स्टार्टअप क्रांति हो रही है।